कैसे हैं आप लोग। हेलो, राम राम, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं। और मेरा बेटा गया, सारे काम हो गए, इत्मीनान से बैठी हूँ और पीने जा रही हूँ, बट ये चाय नहीं है, ये है बेटा, लग रहा होगा मुलेठी, ये है मुलेठी। मुझे थायराइड, तो मैं मुलेठी पीती हूँ, चाय गरम गरम, बहुत आराम मिलता है गर्दन को और इसके फायदे अनेकों हैं। जैसा कि मैं बता रही थी, मुलेठी के अनेकों फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेयर के लिए, आइस के लिए, गले के लिए, पेट के लिए, और तीन जो दोष होते हैं बॉडी में, वात, पित्त, कफ, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थायराइड में इसीलिए बताया जाता है, हड्डियों में, और ब्लड हमारे शरीर में जो होता है उसमें उसको रोकने का, किसी कारण से अगर बह रहा है, शरीर से कहीं बाहर जा रहा है, आंतों में जा, कहीं भी, तो वो ब्लड को रोकता है, ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। बहुत से फ़ायदे हैं मुलेठी के, स्किन के लिए है, अगर आपकी स्किन धूप, पिगमेंटेशन या बहुत ऑयली है तो गुलाब जल में डाल के उसका पाउडर लगाइए, नहीं तो फेस मास्क लगाइए, दूध में लीजिए, शहद के साथ लीजिए, मीठी तो होती है और उसका नेचर होता है जड़ी बूटी का, उसका नेचर जो है मीठा है ना, ठंडा है, ठंडा नेचर है उसका, और टेस्ट तो मीठा सा होता ही है। गायक लोग जो बहुत बोलते हैं फ़ोन पे या गाते बहुत हैं या कहीं उनका गले का ज़्यादा प्रयोग है, उनके लिए मुलेठी तो बहुत ही है। और जो कफ कभी खराश आ जाती सर्दी जुकाम में, यहाँ पे जैसे जम जाता है कहीं यहाँ पे दर्द वर्द होने लगता है, तो पीजिए तो बड़ा फ़ायदेमंद है। हमने तो इसको आजमाया है, यहाँ जैसे दर्द दर्द हो रहा, मैंने पिया, दो तीन बार पीनी पड़ती, सुबह खाली पेट ले लिया, दोपहर में ले लिया, या शाम के समय चार बजे के करीब सोने के समय ले लिया, तो वो करता क्या है, धीरे धीरे आपको जैसे खांसी सी आएगी, खखार सी, तो वो कफ निकलेगा और पूरा गला साफ कर देगा एक से दो दिन में, और जब हल्का होगा तो उसी दिन आपको आराम मिल जाएगा। एक बार तो मैं सो के उठी सुबह, देखा मेरे गले में यहाँ खिचखिच सी लग रही थी, तुरंत हमने मुलेठी पी ली, बहुत आराम मिला। अभी मैं भूल जाती हूँ, बहुत दिन से रखी थी, मेरे पास परमानेंट रहती है, रामदेव की है मुलेठी छो, और वो जो लकड़ी फॉर्म में आती है वो भी अच्छी है, और आप चूसिए तो लार्वा के साथ और भी जाता है, बहुत फ़ायदा करता है। बस पेट को साफ करने में अकेले नहीं करती है, इस किसी के साथ दीजिए, किसी अन्य औषधि के साथ तो बहुत फ़ायदा करती है। आयुर्वेद में जो टॉप 10 औषधियाँ हैं उनमें इसका शुमार है, और ये कह रहते हैं आचार्य लोग कि 12 जगह इसका प्रयोग होता है, जो अकेली औषधि है 12 जगह इसका प्रयोग होता है, और उसमें टॉप 10 की लिस्ट में बता रहे थे कि उसमें जो है 10 की लिस्ट निकली है, जैसे आयु बढ़ाने वाली, बाल के लिए और शुक्राणु के लिए और इन हाँ सब के लिए जो है, हाँ आयु बढ़ाने वाली, इनमें सब में ये है इसका शुमार, और लिस्ट एक बनी है तो उसमें ये है 10 टॉप औषधियाँ हैं, उसमें मुलेठी का जिक्र है। जिक्र क्या है, कहते नहीं जो एक विशेष हो जाता है, जैसे हम लोग का नीम है, बाल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीम का मिलती नहीं है, यहाँ पे मेरे बाल सही हो गए थे, तो नीम को बॉयल कर लेते थे, ठंडा कर लेते थे, जब बाल वॉश कर लिया तो उसके बाद डाल लेते थे, बाल काले हो गए थे, लंबे हो गए थे, मोटे हो गए थे शादी से पहले, फिर उसके बाद में ससुराल में किससे कहें, कौन लाए, सुबह सुबह नहाना होता था 5-5 बजे के करीब, बहुत सुबह नहा लेते थे, ये सब उठती थी देर में, और फिर कौन लाए, तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी। नीम हालांकि गांव था, मिल ही जाता, लेकिन नहीं, अब यहाँ तो मेरे मंदिर के उधर लेने कौन जाए, और वहाँ पर पापा ने दरवाजे पर लगा रखी थी एक बाउंड्री के अंदर, तो हम तोड़ लाते थे, वो ज़्यादा आसान था। अब पत्तियाँ सूखी करें तो बड़ा झंझट है, झंझट नहीं है, लेकिन मिले तो पत्तियाँ सूखी करके कूट काट के रख ले, बॉइल कर ले, छान ले, भिगो दे रात में,
बहुत फ़ायदा करता है। वैसे मुलेठी का भी कर सकते हैं आप, इसको 2 लीटर पानी में डालिए, बॉईल कर लिए और उसी तरीके जैसे मैंने नीम की पत्ती का बताया वैसे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर में कुछ नहीं, कुछ जहाँ जो भी लग जाता हो उसमें औषधीय काम आती है। और अपनी यही कुछ भी है, अन्न खाइए, जो भी है भारत में सब औषधि ही है, लेकिन बहुत चीज़ों के बारे में कोई जानते नहीं, बहुत चीज़ें नहीं जानते। नीम तो हमारी दादी लोग बोलती थी उसकी जो होती थी जो कुछ सूखती है तो नहीं, उसकी स्किन जैसे सूखी सूखी ड्राई ड्राई हो गई हो तो उसको चिफुरी बोलती थी, कहती थी नीम की चिफुरी लिया, तो हम लोग उसको ले आते थे, नहीं तो चाकू से जाके ले आते थे। फिर उसको एक इतना सा बट्टा सा होता था उस पर घिस के, और जहाँ भी दाने हो कुछ भी हो तो लगा लो सही। वैसे मुलेठी भी आप लगा सकते हैं अपना पानी में डाल के, कहीं भी घाव हो। पहले राजा महाराजा लोग जब युद्ध पे जाते थे तो मुलेठी हल्दी यही तो लगाया जाता था, और क्या था उनके पास इंतजाम, कितने युद्ध करते थे तलवारों से ही, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। हर चीज़ में इसका फ़ायदा है, बहुत सारे चीज़ें हम लोग को नहीं पता है, आप इसका इस्तेमाल करिए और फ़ायदा देखिए। बस कुछ नहीं, एक सुबह सुबह आप ले लीजिए, बहुत अति किसी चीज़ की नहीं, 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम अपना लीजिए चाय में, चाय की तरह उसको छानने का मन हो, कुछ थोड़े थोड़े टुकड़े आने लगते, मेरे तो उल्टी आने लगती तो मैं छान लेती हूँ और कप में ले के पी लेती हूँ, बहुत आराम मिल जाता है। अब तो यष्ठी मधु मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गई है, और चरक ऋषि ने अपने 25वें अध्याय में इसको वही कहा है, बाल में, आँखों में, मुँह में छाले हों इसमें भी फ़ायदा करती है, गले में, हड्डियों में फ़ायदा करती है, और यूरिनरी प्रॉब्लम जो भी है, यूरिनरी प्रॉब्लम उसमें भी फ़ायदा करती है, इन्फेक्शन हो या जलन हो रही हो इसमें पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जलन गले में नहीं होने लगती जलन उसकी वजह से, एसिडिटी भैया बहुत रामबाण जाते हैं। नीम और ये तुलसी तो भैया जानते ही थे हम लोग, जब से मुलेठी कम से कम तकरीबन 8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत रामबाण है। ये मेरा अपना अनुभव है कि मेरा सर दुख रहा था, मैंने मुलेठी की चाय पी ली और बस मेरा सर दर्द सही एकदम, नींद ना आ रही हो रात में पी लीजिए तो नींद बढ़िया आ जाती है, बहुत चीज़ों के फ़ायदेमंद एकदम, क्या बताएं, भगवान का आशीर्वाद नहीं जो है। भारत में तो जड़ी बूटियां भरी पड़ी हैं, किसी को कोई कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन जो अपने करीब आती है, जैसे हम लोगों ने जब ये आया कोरोना तो गिलोय के बारे में जाना, कितने फ़ायदेमंद बहुत। चलिए और अनेकों फ़ायदे हैं जो मैं नहीं बता पाई या नहीं मैं कह पाई, मुझे याद नहीं रहा, मुझे जितना याद था मैंने बताया, जो मैंने अनुभव किया अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इसी के साथ सबको राम राम, नमस्ते, सलाम, दुआ में याद रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू।